नमस्कार। 100 खबरों का सफर राजस्थान सुपरफास्ट देखने जा रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने नई टीम का ऐलान किया। नई टीम में 3 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 8 उपाध्यक्ष, 9 महासचिव शामिल हैं। पायलट के पीसीसी चीफ बनने के बाद पहला बड़ा फेरबदल है। निष्क्रिय पदाधिकारियों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी से छुट्टी। अजमेर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में 2016-17 का 3 अरब 20 करोड़ का बजट पास हो गया। सर्वसम्मति से बजट पास होने के बाद सदन में जवान हनुमंत थप्पा और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जोधपुर नगर निगम का 796 करोड़ का बजट पारित हो गया है। मेयर ने इसे शहर के विकास का बजट बताया है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सोलंकी ने बजट को झूठ का पुलिंदा बताया। बजट में पार्षदों की अनुशंसा पर होने वाले कार्यों की राशि को बढ़ाकर 80 लाख कर दी गई है। बजट में पार्क के लिए 15 लाख और शौचालय निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि जोधपुर एयरपोर्ट का विस्तार जल्द किया जाएगा। महेश शर्मा आज जोधपुर पहुंचे और कहा कि जोधपुर और जैसलमेर में पर्यटन को देखते हुए जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार पर काम चल रहा है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने केंद्र से ग्रामीण इलाकों में शिक्षा देने वाले शिक्षकों के लिए ग्रामीण भत्ता देने की मांग की है। देवनानी पिछले दिनों दिल्ली में हुई शिक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे। देवनानी का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो शिक्षक ग्रामीण इलाकों में ठहराव रुचि दिखाएंगे। इसके अलावा देवनानी ने बीएड को 2 वर्ष करने और इंटर्नशिप की व्यवस्था को भी लागू करने की मांग की। अजमेर के मसूदा में प्रदेश के लोकायुक्त एसएस कोठारी ने जनसुनवाई की। ग्रामीणों से बात करते हुए कोठारी ने सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। जनसुनवाई के बाद एसएस कोठारी ने उपखंड अधिकारी, तहसीलदार समेत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोठारी ने अधिकारियों को आमजन की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। सरकार के आदेश अनुसार महीने के दूसरे गुरुवार को सवाई माधोपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर बलदेव सिंह हडा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीकानेर में अटल सेवा केंद्र में जिला स्तरीय जनसुनवाई और जिला जन अभाव अभियोग निराकरण सतर्कता समिति की बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर समेत विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सांगानेर कपड़ा रंगाई छपाई एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में 51 लाख रुपए का सहयोग दिया। सांसद रामचरण बोरा के नेतृत्व में सांगानेर रंगाई छपाई कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निवास में पहुंचा था। वहीं कारोबारियों ने रंगाई छपाई उद्योग को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीईटीपी लगाने में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। केंद्र सरकार से 80 करोड़ रुपए और राज्य सरकार से 40 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। शिक्षा विभाग बसंत पंचमी को महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि छात्राओं को दिए जाने वाला गार्गी पुरस्कार पहली बार जिला स्तर के स्थान पर ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाए। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के मुताबिक शाला दर्पण नाम के इस पोर्टल में प्रदेश के सेकेंडरी स्कूल का लेखा जोखा होगा। शाला दर्शन नाम के पोर्टल में प्राथमिक स्कूलों से संबंधित जानकारियों को ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं ई ज्ञान नाम के पोर्टल के जरिए क्लास 9 से 12 तक की किताबों को ऑनलाइन किया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा जोधपुर से जैसलमेर जाने के बाद पोखरण मिडवे ठहराव के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए। चाय की चुस्कियों के बीच महेश शर्मा ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। शर्मा ने पोखरण की जमकर तारीफ की और इसे पर्यटन स्थल बनाने पर जोर देने की बात कही है। इस दौरान जैसलमेर बाड़मेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, पोखरण सीओ नानक सिंह, एसएचओ महेश श्रीमाली मौजूद थे। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम ने वैलेंटाइन डे पर तबाही का अलर्ट जारी किया है। आसाराम ने कहा कि आई लव यू बोलने से तबाही आती है और ऐसी तबाही फैलाने से युवाओं को बचना चाहिए। लेकिन वो वैलेंटाइन डे को कैसे मनाए इसका तरीका जरूर सुझा रहे हैं। आसाराम के मुताबिक इस दिन को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और बच्चों को माता पिता के प्रति सद्भाव रखा जाना चाहिए। जयपुर में एसीबी की टीम ने कलेक्ट्रेट में कार्रवाई की। टीम ने एडीएम प्रथम के रीडर प्रेमचंद जैन को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल जम्मू और रामगढ़ निवासी रामचंद्र की 12 बीघा जमीन पर विवाद चल रहा है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। रीडर प्रेमचंद जैन ने मामले में तारीख आगे बढ़ाने के एवज में 50,000 की रिश्वत मांगी थी।
प्रतापगढ़ में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के अधिकारियों समेत एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा है। प्रतापगढ़ का सहायक अधिकारी हरी राम शराब का ट्रक छोड़ने के लिए 2 लाख की रिश्वत मांग रहा था। कोटा में एक बार फिर चेन स्निचर सक्रिय हो गए। स्टेशन रोड इलाके में आज बाहर खड़ी एक महिला के गले से 2 बदमाश मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गए। दोनों बदमाश बाइक पर सवार थे। महिला की शिकायत पर भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। इधर बदमाशों की यह हरकत कुछ ही दूरी पर लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। दौसा में आईटीआई छात्र आशीष ने खुद को आग लगा ली। गंभीर हालत में आशीष को जयपुर रेफर कर दिया गया। आशीष को आईडी नहीं होने की वजह से परीक्षा में बैठने से मना कर दिया गया था। परीक्षा के कोऑर्डिनेटर राजकुमार ने बताया कि पहले एडमिट कार्ड पर प्रिंसिपल के साइन होते थे, लेकिन इस बार एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल आईडी लाने के निर्देश दिए गए थे। इधर छात्र के परिजन ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोटा के बापू बस्ती में एक परिवार का दर्दनाक अंत हो गया। बीमार पत्नी की मौत से पति को इतना सदमा पहुंचा कि उसने बेटी के साथ जहर खाकर जान दे दी। मृतक अमरलाल जयपुर के सांगानेर इलाके का मूल निवासी था और कोटा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। अमरलाल की पत्नी का लंबे समय से इलाज चल रहा था। एमबीएम अस्पताल में अमरलाल की पत्नी ने दम तोड़ा। पत्नी की मौत का सदमा अमरलाल बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेटी के साथ सल्फास खाकर जान दी। करौली के कमरपुरा गांव में एक ही कुटुंब के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े में एक युवक की जान चली गई। वहीं मृतक की पत्नी और पिता समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस उपाधीक्षक और जिला प्रमुख ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि जेवरों को लेकर दोनों पक्षों की महिलाओं में विवाद हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। अनूपगढ़ के रैन बसेरे में युवती ने दम तोड़ दिया। लोगों का कहना है कि प्रशासन की घर के खिलाफ हुई कार्रवाई से वो परेशान थी। असल में घड़साना पुरानी मंडी में इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर एनजीटी के आदेश की पालना के तहत नहरों के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। डूंगरपुर के सांबला कस्बे में सड़क हादसे में हुई एक महिला की मौत से सदमे में परिवार के एक शख्स की मौत हो गई और तो और गम में 6 लोग और भी बीमार हो गए। एक सीए ने आयकर विभाग को 5 करोड़ से भी ज्यादा का चूना लगा दिया। श्रीगंगानगर कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कपिल कंसल ने दिल्ली में बैठकर 5 करोड़ से भी ज्यादा की हेराफेरी कर दी थी। आयकर विभाग को भनक तक नहीं लगी और वो कपिल कंसल के खाते में टीडीएस की रकम रिफंड करते थे। इस पूरे खेल में फर्जी फर्म का टीआईएन नंबर जारी करवाकर विभाग को चकमा दिया गया और करोड़ों का टीडीएस रिफंड ले लिया गया। आयकर विभाग को शक हुआ तो बैंक खाते में दिए गए पते की पूरी जांच की गई। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक बार फिर तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 लाख की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई स्मैक की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। रटांजना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर कासम खान स्मैक लेकर जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने नजर बनाए रखी। कासम को रुकवाया गया और तलाशी में कासम के कब्जे से 30 ग्राम स्मैक जब्त की गई। उदयपुर के झाड़ोल में ओगना पुलिस ने एक मर्डर केस का खुलासा कर दिया। वारदात के 6वें दिन ही तफ्तीश करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा गया। दरअसल आरोपियों ने ओडा आयुर्वेद हॉस्पिटल परिसर में चौकीदार बंशीलाल की हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी की मां से मृतक बंशीलाल के अवैध संबंध थे। अलवर के कॉलेजों में डिग्री वितरण काम में सुस्ती से सैकड़ों शिक्षक युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजश्री कॉलेज में नैक के निरीक्षण की आड़ में 1 सप्ताह पहले ही डिग्री वितरण बंद कर दिया गया। छात्र नेताओं का कहना है कि कला कॉलेज में अभी तक 30,000 डिग्रियां बांटी जानी बाकी हैं। उधर राजश्री कॉलेज में 15 से 17 फरवरी तक नैक का निरीक्षण होगा। हनुमानगढ़ में नर्सिंग छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि निजी अस्पतालों में जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो प्रशिक्षित नहीं। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे देश में रेल कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं हनुमानगढ़ में भी रेलवे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। कर्मचारी संगठनों ने मिलकर एक मीटिंग की और आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार की। रेलवे संगठन नेता गुमान सिंह ने कहा कि अगर कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया जाए तो 11 मार्च को सभी कर्मचारी रेलवे प्रशासन को नोटिस देकर 1 महीने का समय देंगे। उसके बाद भी अगर प्रशासन सुध नहीं लेगा तो 11 अप्रैल से रेलवे कर्मचारी कामकाज बंद कर देंगे। जोधपुर में 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों के खिलाफ रेलवे कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। आज रेलवे के संगठन गुप्त मतदान कर 11 अप्रैल को देशभर में चक्का जाम के लिए समर्थन जुटा रहे हैं।
धौलपुर के न्यायालय परिसर में न्यायिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मियों ने सेठी आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रांतीय न्यायिक कर्मचारी संघ के निर्देश पर कर्मचारियों ने धरना दिया। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि न्यायिक कर्मचारियों के हित में हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उन्हें अमल में नहीं लाया गया, तो 15 फरवरी से राज्य के सभी जिलों के न्यायिक कर्मचारी असामयिक अवकाश पर चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक कर्मचारियों को हायर पे स्केल देने की मांग को लेकर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ श्रीगंगानगर के कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। तमाम कर्मचारियों ने सिटी कमीशन लागू करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया। जुलूस के रूप में नारेबाजी करते पहुंचे कर्मचारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के कहने के बाद भी सरकार सिटी कमीशन लागू नहीं कर रही है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। डूंगरपुर में आसपुर थाना क्षेत्र के सामला कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर बुधवार को जीप ट्रैक्टर की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजन अड़ गए। मृतक के परिजनों समेत ग्रामीण आसपुर थाने पहुंचे और जमकर हंगामा हुआ। जोधपुर में यूपी के छात्र नेताओं ने अफजल गुरु को सम्मान देने का विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने ओल्ड कैंपस के बाहर अफजल गुरु का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा के कई इलाकों में आज पानी की सप्लाई प्रभावित रही। दरअसल जलदाय विभाग नयापुरा के रघुनाथ हॉस्टल के पास टूटी पाइपलाइन को ठीक कर रहा है, जिसके चलते आज शहर के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। कोटा के कई इलाकों में पानी की समस्या बरकरार है। वहीं पानी के बिलों में बढ़ोतरी से विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया है। एक बार फिर पीसीसी महासचिव पंकज मेहता के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। ब्यावर में शहर भर में स्थित ईंट भट्टों पर लगी लोहे की चिमनियों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। अचानक हुई कार्रवाई से ईंट भट्टा उद्योग संचालक सख्ते में नजर आ रहे हैं। कार्रवाई के विरोध में ईंट भट्टा उद्योग एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें ईंट भट्टा संचालक और इससे जुड़े श्रमिकों ने प्रशासन की ओर से हुई इस कार्रवाई पर रोष जाहिर किया। सियाचिन में छह दिनों तक बर्फ में दबे रहने के बाद लांस नायक हनुमान थप्पा आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। हनुमान थप्पा के निधन के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर एनएसयूआई ने हवन पूजन किया। बाड़मेर के गौरव सेनानियों और वीरांगनाओं के लिए जलीपा सैन्य मुख्यालय में गौरव सेनानी रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों के सम्मान के साथ ही विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। रैली में सेना के साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों बैंकर्स ने सरकारी योजनाओं और रोजगार संबंधित जानकारी देने के लिए स्टॉल भी लगाए। इस दौरान गौरव सेनानियों का ई जीवित प्रमाण पत्र भी पंजीकरण किया गया। बारह में परिवहन राज्य एवं जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल वर्मा ने बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों के हितों की योजनाओं की जानकारी दी गई। बारहवें दक्षिण एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले तीरंदाज रजत चौहान का जयपुर में जोरदार स्वागत किया गया। 8 फरवरी को हुए फाइनल मुकाबले में चोटिल रजत ने दिल्ली के अभिषेक वर्मा को हराकर मेडल पर कब्जा किया था। रजत चौहान की इस कामयाबी पर राजस्थान खेल परिषद ने भी उन्हें सम्मानित किया। खेल परिषद के अध्यक्ष जेसी मोहंती ने कहा कि रजत को सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। बारा में आज राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष गोपाल पचीरवाल पहुंचे, जहां नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद सभागार में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और जल्द निस्तारण का भरोसा दिलाया। प्रतापगढ़ में रिपोर्ट्स, शहर की आबोहवा तो खराब चल रही है, साथ ही गंदगी फैल रही है और रिसोर्ट के आसपास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पुराने नालों को इन्होंने कचरा पात्र ही मान लिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा कचरा यहीं पर फेंका जा रहा है। नगर परिषद नोटिस देकर थक चुका है। कचरा पिक कर उसके डिस्पोजल तक के लिए गाड़ियां भी लगाई गई हैं, जिसका शुल्क मात्र 600 रुपए, बावजूद इसके कोताही बरती जा रही है। चौमू के मुख्य बाजार चौपड़ में गौरक्षक दल ने आज विशाल रैली निकालकर गौरक्षा का संदेश दिया। गौरक्षक दल इस रैली का मकसद गायों पर दिन पर दिन बढ़ते अत्याचार पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता पैदा करना है। उदयपुर में लोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना के साथ ही फेस्टिवल का आगाज हुआ। इस मौके पर झील में श्रीनाथ जी की झांकी निकाली गई, जिसे देखने के लिए मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा। झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित हो रहे लेक फेस्टिवल को लेकर अधिकारियों जनप्रतिनिधियों में भी खुशी की लहर है। लेक फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव शैलेंद्र अग्रवाल ने भी इस फेस्टिवल के उदयपुर के लिए खास महत्व बताया। बाड़मेर में 12वीं सदी के विख्यात किराडू मंदिर से करीब 20 किलोमीटर आगे धोरों के बीच एक छोटे से गांव में लगे हजारों पौधे और हरियाली लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इंद्रोई ग्राम पंचायत के जोधासर गांव को हरा भरा बनाने के पीछे उद्योगपति लीला राम जांगिड़ का
देखा जा रहा है। बांसवाड़ा जिले का एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहां बच्चे और शिक्षक पर्यावरण, स्वच्छता और पानी बचाने का संदेश दे रहे हैं। गनाऊ पंचायत की राजकीय प्राथमिक विद्यालय गनावाफला में बच्चे और शिक्षक ये मिसाल पेश कर रहे हैं। हफ्ते में तीन दिन आधा आधा घंटे बच्चे और शिक्षक पौधों को पानी देते नजर आते हैं। स्कूल में हर कमरे की दीवार पर बोर्ड भी लगे हुए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 14 फरवरी को होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड फाइनल मुकाबले को लेकर नागौर में उत्सुकता का माहौल है। इस उत्साह की वजह है भारतीय टीम में शामिल नागौर के महिपाल लामरोड, जिसने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से अंडर 19 टीम में जगह बनाई और सबका दिल जीत लिया। लांस नायक हनुमान थापा को अंतिम विदाई दी गई। दिल्ली कैंट में सेना ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा, इस शहादत पर गर्व है। कल कर्नाटक के पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। गुजरात एनकाउंटर में मारी गई इज्जत, जहां लश्कर की सुसाइड बॉम्बर थी। मुंबई हमले में घेडली की गवाही से हुआ खुलासा। बीजेपी बोली, इज्जत को बेटी बताने वाले मांगे माफी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी अफसल जिंदाबाद के नारे लगे। जेएनयू के देशद्रोहियों पर कानून का हंटर पड़ना था। बीजेपी सांसद महेश गिरी ने पुलिस में शिकायत की, FIR मांगी। दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक ऑड इवेंट का सेकेंड राउंड चलेगा। टू व्हीलर्स और महिलाओं को इस बार भी छूट मिली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, 81% दिल्ली तो फिदा है इस फॉर्मूले में। छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट अफसरों की खैर नहीं, सरकार कुर्क संपत्ति करेगी। कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी सुधीर शर्मा पर सीबीआई का शिकंजा कसेगा। अप्रैल महीने में सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा कागजी कार्रवाई के लिए 31 मार्च तक का वक्त। पूर्व सांसदों पर सरकार का करोड़ों रुपए रेंट बकाया पड़ा है। यशवंत सिन्हा, अजहरुद्दीन, राज बब्बर और जयाप्रदा जैसे बड़े चेहरों का नाम शामिल। आरटीआई में खुलासा। गाजियाबाद से गायब हुई आईटी इंजीनियर का अब तक सुराग नहीं लग पाया है। लड़की ने वैशाली मेट्रो स्टेशन से घर के लिए पकड़ा था। बॉलीवुड की जूनियर एक्ट्रेस रुखसार खान की मौत एक पहेली बन गई है। पुलिस का कहना है कि उसकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। मुंबई में 13 फरवरी से शुरू हुए मेक इन इंडिया सप्ताह के लिए सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चिरगांव चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम होना है। अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की बढ़ती तादाद और उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का बड़ा खतरा बताया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन का कहना है, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर आतंकवादियों की नजर है। पाकिस्तान के दौरे पर गई डच क्वीन मैक्सिमा ने पाकिस्तान में महिलाओं की दयनीय हालत पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया। समुद्र में आए तूफान की वजह अमेरिका के न्यूजर्सी पोर्ट पर एक रॉयल कैरेबियन क्रूज को वापस लौटना पड़ा। तूफान के वक्त क्रूज शिप में 4500 गेस्ट और चालक दल के 16 सदस्य मौजूद थे। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में एक आत्मघाती बम धमाके में 60 लोगों की मौत हो गई जबकि 78 लोग जख्मी हो गए। वैलेंटाइंस डे के मौके पर लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया से पूरी दुनिया में फूल पहुंचाए जा रहे हैं। फूल भेजने के मामले में कोलंबिया दुनिया में नंबर दूसरे पर है। ब्रिटेन और अमेरिका के बुक स्टोरों पर एक बार फिर हैरी पॉटर की वापसी हो रही है। इस साल गर्मियों में जेके रॉलिंग की नई किताब लॉन्च हो रही है। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में एक हफ्ते से चल रहे पैनकेक फेस्टिवल काफी धूमधाम से खत्म हुआ है। फेस्टिवल के आखिरी दिन यहां एक शानदार परेड निकाली गई। 2008 के बाद बाजार में सबसे बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 808, निफ्टी 239 अंक गिरा। खराब विदेशी संकेतों से बाजार में कोहराम, सेंसेक्स ने 23,000 और निफ्टी ने 7,000 का स्तर तोड़ा। SBI के तीसरी तिमाही में अनुमान में खराब नतीजे, मुनाफा 62% घटकर 1,115 करोड़ रुपए। निवेश मांग बढ़ने से सोने चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी, फिर 29,000 के पार पहुंचा सोना। स्मॉल सेविंग्स पर घट सकती है ब्याज दरें, अब हर 3 महीने में होगी NSE PPF पर ब्याज दरों की समीक्षा। फेसबुक के आने वाले कलेक्शंस फीचर के लिए शुरू होगा वांट और कलेक्ट बटन। ऑनलाइन रिटेलर के प्रोडक्ट पसंद आने पर दबा सकते हैं मनचाहा ऑप्शन।
फेसबुक के बोर्ड मेंबर के बयान से मार्क जुकरबर्ग ने झाड़ा पल्ला। भारत से मांगी माफी। नेट न्यूट्रलिटी पर ट्राई के फैसले पर मार्क एंडरसन ने कहा था, भारत में ब्रिटिश राज ज्यादा अच्छा था।